अस्सलामुअलैकुम। सो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग ट्विटर, सडनली एक न्यूज़ आई कि जो है ना वो अटक रिफाइनरी सडनली जो है वो ओगरा को उसने समरी भेजी है कि अगर सिचुएशन सेम रही तो हमें शट डाउन करना पड़ेगा। तो मैं ज़रा क्यूरियस हुआ, अचानक से हुआ क्या है। तो जब मैंने थोड़ा डिगिंग किया तो मैं थोड़ी सिचुएशन समझ में आई, और जो सिचुएशन मुझे समझ में आई वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली OMCs हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ 6 कंपनीज हैं जो कि स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हैं, अटक है, ठीक है, बरशेन, हैसकॉल, PSO एंड स्टफ, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बैन लगाया हुआ था, ठीक है, जिसमें जो कंपनीज थी वो बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर सकती थी ऑयल ना, तो वो लोकल सप्लायर से बाय कर रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अटक रिफाइनरी या जितनी भी रिफाइनरीज जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, सही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि रिसेंटली वो जो बैन था, ठीक है, वो लिफ्ट कर दिया। तो जब वो बैन लिफ्ट किया उसकी वजह से मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आई, जिसमें से पहला तो ये कि कंपनीज़ ने क्या किया कि बाहर से बहुत हैवी अमाउंट में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे वो इम्पोर्ट कर लिया, यानी कि बाहर से मंगवा लिया ऑयल। अब बाहर से मंगवा के उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट में स्टोर कर लिया। अब हो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिफाइनरीज यहाँ पे लोकली काम करती थी, जो कि लोकल सप्लायर या जो लोकल क्रूड ऑयल है, जैसे कि OGDC वगैरह जो कि पाकिस्तान से ऑयल निकालती हैं, पाकिस्तान से निकाल के पाकिस्तान में ही रिफाइन करती हैं, उनसे ख़रीदना बंद कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मिसाल के जैसे कि अटक ने कहा है कि हमारा जो स्टॉक है वो भरता जा रहा है, ठीक है, हमारे पास कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। ऑलरेडी जो है वो तकरीबन लास्ट वीक से अटक रिफाइनरी जो है वो 65% कैपेसिटी पे चल रही है, ठीक है। और इस वक्त अगर सिचुएशन परसिस्ट रही तो दे वर सेइंग कि हमें नेक्स्ट वीक से रिफाइनरी कंप्लीट शटडाउन की तरफ ले जानी पड़ेगी, विच इज़ अ बैड थिंग। क्योंकि इसकी वजह से दो तीन चीज़ें होंगी, जो लोकल सप्लायर्स हैं जैसे कि OGDC हो गया, ये सारे सप्लायर्स जो है ना, इनका जो मेन कस्टमर है वो बेसिकली पाकिस्तान की लोकल रिफाइनरीज है। अगर सिर्फ अटक इस तरह सफ़र कर रही है तो इसका मतलब है बाकी भी सफ़र कर रही होंगी, तो दिस इज़ अ बैड थिंग और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको अगर आप देखो क्या करता है इस मामले में, ठीक है, और अगर कुछ मुझे समझ में आया, कुछ मुझे न्यूज़ मिली तो मैं ज़रूर आपको भी बताऊँगा।